बीते दिनों से उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में लगातार बरसात हो रही है। लगातार हो रही बरसात से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर जितना आप हैरान हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के लिए ये सिर्फ फसलें नहीं बल्कि उनकी दिन रात की मेहनत थी, उनकी आमदनी का इकलौता जरिया थी। लेकिन कुछ दिनों की बारिश किसानों की दिन रात की मेहनत ले डूबी। ये तस्वीरें चरखी दादरी की हैं। दादरी में करीब 2 दर्जन गांवों की करीब 3,000 एकड़ जमीन पर जल भराव हो चुका है। इतना ही नहीं, अधिकतर क्षेत्रों में पानी निकासी के प्रबंध नहीं, किसानों की जमीन बंजर होने की कगार तक पहुँच चुकी है। हमारे इलाके के 20 से 25 गांव का हालात ऐसे हो गए कि हजारों एकड़ जमीन बहुत लंबे समय से बंजर बनने जा रही है। पानी खड़ा है, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन बिल्कुल मौन है। आने वाले समय में भी लग नहीं रहा कि इसका कोई समाधान होता दिखाई दे रहा। जो आगामी फसल है वो भी होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ से चेयरमैन भी हैं, यहाँ से विधायक भी है और भी लोग हैं, कोई भी ये नहीं सोच रहा कि इन किसानों का क्या हाल होगा। कितने गांव के लोग, कितने लोग मर जाएंगे। एक एक दो दो चार चार एकड़ जमीन के मालिक हैं। जो जितना बड़ा किसान है उतना ही ज्यादा गरीब होता जा रहा है। चरखी दादरी में किसानों की जमीन पर जल भराव होने के कारण बिजाई तक नहीं हो पाई। हालांकि कृषि विभाग की ओर से जल भराव की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही सही आकलन हो पाएगा। वही फसलों में पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होने के कारण फसल बर्बादी के कगार पर है। दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों की स्पेशल गिरदावरी करवा कर मुआवजे की मांग रखी है। ये जो पूरा क्षेत्र पानी से लबालब भरा हुआ है, खेतों में आज भी पानी भरा हुआ है और पानी की न सूखने के कारण फसल भी नहीं बोई। आज किसान के ऊपर बहुत बड़ा इस चीज़ का नुकसान झेल रहे हैं। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से जो गिरदावरी भी की उसमें भी कुछ नुकसान कम देखा दिया, कहीं ज़्यादा देखा दिया। मैं कहता हूँ कि ईमानदारी के साथ उसे सर्वे करके जो वाकई में हकदार है इसकी गिरदावरी करके किसानों को इसको तुरंत प्रभाव से मुआवजा मिलना चाहिए। वही नूह के पुनहाना उपमंडल के लुहिंगा कलां गांव में बारिश के कारण उजीना ड्रेन में पानी अधिक आने से खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। करीब 50 से एकड़ गेहूं और सरसों की फसल में पानी भरने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पानी की लापरवाही जी, झालवाड़ आन के झाल पे कोई आदमी नहीं रहता है, कर्मचारी एक भी नहीं है। इधर गेट खराब हुए पड़े हैं, सारा गड़े पड़े हैं गेट। पीछे से पानी ज्यादा आगो और बरसात भी होगी, 50-60-70-80 किलो खराब हो गए फसल का। फसल ये गेहूँ की, सरसों की फसल है और सारी इन कर्मचारियां जो झाल पर रह रहा है इनकी लापरवाही की वजह से ये फसल खराब हो रही है। किसानों की माने तो ड्रेन के पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनी है, लेकिन यहाँ सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौजूद नहीं रहते। समय रहते पानी को कंट्रोल कर लिया जाता तो किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती। ग्रामीणों ने प्रशासन से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने के साथ सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदीप साहू, चरखी दादरी, कासिम खान, नूह, खबरें अभी तक।